इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, दिल की गहराइयों से मन की सच्चाइयों से लिप लबे खुश आमदीद। ऐसे इंसान जो दुनिया पर अपना नक्श छोड़ जाते हैं बहुत किस्मत से पैदा होते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही शख्स की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएंगे। तो छानबीन और तहकीक करते मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंसान थे तारिक अज़ीज़। तारिक अज़ीज़ दिल के अच्छे और मन के सच्चे इंसान थे। उनकी खुश अखलाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर शोज़ के स्टार्ट में ये बोला करते थे कि देखती आंखों को मेरा सलाम। पर एक बार एक कॉलर ने उनको कॉल की और बोला, तारिक साहब आप तो सिर्फ उनको सलाम करते हैं जो देख सकते हैं, पर मैं तो देख नहीं सकता, आप मुझे सलाम क्यों नहीं करते। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने शो के आगाज़ में ये कहना शुरू किया, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आप तारिक अज़ीज़ का सलाम। तारिक अज़ीज़ 1936 को जलंधर ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और इनका राई खानदान पाकिस्तान हिजरत के बाद साहिवाल में आबाद हुआ। उनके वालिद का नाम मियां अब्दुल अज़ीज़ था। इब्तदाई तालीम जलंधर से हासिल की और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया। करियर का आगाज 1961 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। बाद 1964 में PTV पाकिस्तान पर नजर आने वाले पहले मेल अनाउंसर बने। पहले टीवी होस्ट थे जिन्होंने कमर्शियल सक्सेस क्विज शो प्लेटफॉर्म नीलाम घर, जिसे बाद में तारिक अज़ीज़ शो बज़्मे तारिक अज़ीज़ कर दिया गया, से हासिल की। उन्होंने बहुत से मौजूद शख्सियात, काबिल जिक्र दानिश्वरों, खेलों के अफराद और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी किए। तारिक अज़ीज़ ने फिल्म एक्टर वहीद मुराद और फिल्म एक्टर सेबा के साथ इंसानियत फिल्म में भी काम किया। पाकिस्तानी फिल्म हार क्या इंसान और कसम उस वक्त की में भी अदाकारी की। तारिक अज़ीज़ मुकामी टेलीविजन प्रोग्राम और मॉर्निंग शोज में भी नजर आए। उन्होंने चैरिटी पर्पस के लिए टेलीथॉन्स का भी एहतमाम किया। उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल कैरेक्टर भी काम किया। उनकी कामयाब तरीन म्यूजिकल फिल्म सालगिरह थी जो 1969 में रिलीज हुई, जिसने एक साल में 2 निगार अवार्ड अपने नाम किए। 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और 1998 में 9th PTV अवार्ड पर बेस्ट होस्ट अवार्ड भी मिला। तारिक अज़ीज़ कॉलेज के ज़माने ही से सियासत में सरगर्म थे और 1970 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। उस दौर में तारिक अज़ीज़ को फायर ब्रिगेड सोशलिस्ट कहा जाता था, जो भुट्टो के जलसों में इनकलाबी नारों से हजूम को खुश करने और सरगराने के लिए जाने जाते थे। ताहम बाद में उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली और तफरीही दुनिया में वापस चले गए। 1996 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और लाहौर में नेशनल असम्बली के मेंबर सेलेक्ट हुए। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्हों पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पर अटैक का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे सदारत में उन्होंने सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की। ताहम वो इस पार्टी में कोई काबिल जिक्र हैसियत हासिल ना कर सके और उनको साइड लाइन कर दिया गया। एक बार फिर तफरीही सनत में वापस आ गए, लेकिन इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका कैरियर 1960, 1970 और 1980 की दहाइयों जैसा बुलंद ना पहुंच सका, क्योंकि 2002 के बाद पाकिस्तान में बहुत से टीवी चैनल्स की तरफ से काफ़ी कम्पिटिशन था। तारिक अज़ीज़ बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, किताबों से मोहब्बत करने वाले और शायर भी थे। 2018 में एक पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर ने उनके बारे में रिपोर्ट किया, जिसमें तारिक अज़ीज़ ने बताया कि औलाद पैदा करना या ना होना अल्लाह की मर्ज़ी है, और चूंकि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं है इसलिए वो अपनी तमाम कमाई मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करना चाहेंगे। इस वसीयत से उन्होंने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए। बेशक वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। उनका मुताला बहुत वसी था। तारिक अज़ीज़ सिर्फ उर्दू ही में नहीं लिखते थे बल्कि उनको पंजाबी में भी अबूर था। उनका उर्दू बोलने का स्टाइल बहुत प्यारा और मुनफरिद था। उन्होंने जो किताबें लिखी वो ये हैं, तारिक अज़ीज़ ने शादी बहुत लेट की और उनका एक बेटा हुआ जो अल्लाह को प्यारा हो गया। उनका इंतकाल 17 जून 2020 को लाहौर में हुआ। उनकी वफात की खबर ने पाकिस्तान की आवाम को मायूस किया और ट्विटर पर हैशटैग तारिक अज़ीज़ का ट्रेंड चला। लोगों ने उनके शो नीलाम घर, जो 40 साल से भी ज्यादा चला, उसका तذکرہ किया। इमरान खान, जो उनसे लाहौर का इलेक्शन हारे थे, उन्होंने भी उनके अहले खाना से ताज़ियत की और लिखा कि तारिक अज़ीज़ अपने वक्त के आइकन थे। उनकी शायरी जो भूले नहीं भूलती वो मुलाहिजा कीजिए। नुक्ता वरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने लव का इजहार जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और हमारे चैनल लिव लैब को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस के लिए साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। शुक्रिया।